स्वागत करें हम आपका परिहास में। सूचनाएं और जानकारी दें कुछ नए अंदाज में। हम दोनों के ऐसे ऐसे संबंध हैं, दूसरों को लूटने के अपने अपने प्रबंध हैं। लूटने के चोरी चकारी करने का इरादा है या फिर कहीं डाका डालने का? उदासी पर डाका डालकर हल्की फुल्की हंसी से मौसम को खुशगवार करने का इरादा है। अरे अपनी वो पड़ोसन है ना रज्जो, वो कल ही मुझे मिली। मैंने पूछा कि तेरा पति जेल से छूट के आ गया, पता है क्या बोली? क्या बताऊं बहन, इनके तो पांव ही एक जगह नहीं टिकते। और वैसे तुम अपना ध्यान रखो, कुछ दिनों से तुम्हारी हरकतें भी कुछ ऐसी ही देख रही हूँ मैं। किताबों की दुकान पर एक आदमी रोज दया करता, किताबों के दाम पूछता और वापस लौट आता। ऐसा उसने कई बार किया। दुकानदार भन्ना कर बोला, रोज किताबों के दाम ही पूछते हो, कभी किताब भी ले जाया करो। तो उसने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, किताबें तो रोज ले जाता हूँ, कभी तुम ही देख लिया करो। चोरी? हाँ, कई लोग चोरी करने में बड़े स्मार्ट होते हैं। और यही स्मार्टनेस उन्हें कभी कभी ले डूबती है। जैसे जैसे क्या? आइए मिलवाते हैं आपको भी ऐसी स्मार्ट मैडम से। देखिए ना कितने रिश्तेदार हैं मेरे शहर में, लेकिन होटल में ठहरने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे मैडम, हमारे रहते कैसी बात कर दी आपने? है जी, मेरा मतलब है अगर आप कहें तो दो मिनट में अपने दोस्त के फ्लैट में इंतजाम करवा दूं आपका। सो स्वीट, कितने अच्छे हैं आप। दो तीन मुलाकातों में ही मेरे दर्द को कितनी अच्छी तरह समझने लगे हैं आप। और एक मेरे रिश्तेदार है कि अब देखिए ना मैडम, यही तो फर्क है बाकी प्रॉपर्टी डीलर्स पर और मुझ में। वो लोग कमीशन कमाना चाहते हैं और मैं किसी का दिल दुखाकर कमीशन कमाना पाप समझता हूँ। रियली आप बहुत अच्छे हैं। सोचती हूँ आप मुझे ना मिलते तो मेरा क्या होता। अरे मिलते कैसे नहीं, हमें तो मिलना ही था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सब ऊपर वाले की माया है। जानते हैं जब मैंने शिव प्रॉपर्टी डीलर पढ़ा तो मेरे मन से एक आवाज आई। क्या? बस यही है तेरी मंजिल, यही तेरा काम बन सकता है। और देखिए आपका काम कितनी जल्दी बन गया। वैसे भी यहाँ बहुत कम प्लॉट बचे हैं बेचने के लिए और डिमांड तो बहुत ज्यादा है। एक्चुअली सेंट्रल एरिया है ना आखिर। जी जी जी, पर इतने सालों तक आपने से बेचने के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो दरअसल मैं अपने ससुर जी की बहुत इज्जत करती हूँ और वो नहीं चाहते थे कि प्लॉट बिके। तो अब उन्हें, अब उनकी ऐसी हालत ही कहाँ जो वो एतराज कर सकेंगे। अगर उन्हें कैंसर नहीं हुआ होता तो मैं ये प्लॉट हर किसने ही बेचती। उन्होंने बिल मेरे नाम कर दी है और वो कनाडा इलाज के लिए चले गए। अरे अरे मैडम लीजिए, देखिए ना प्रॉपर्टी तो होती ही वक्त पर काम आने के लिए है, और फिर कनाडा जैसे मुल्क में इलाज कराना इतना आसान काम थोड़ा ही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे बाकी पेपर्स तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अगर कहीं कोई कमी पेशी रह जाए तो प्लीज अपने वकील से जरूर चेक करवा लीजिएगा। अव्वल तो इन मामलों का मैं खुद ही बहुत बड़ा वकील हूँ, और वैसे भी अब तो आपके साथ घर वाली बात हो गई है, इतना विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। थैंक यू वेरी मच। तो फिर मैं कल आ जाऊँ? आप कहें तो मैं खुद ही होटल चलाता हूँ। ना ना, रजिस्ट्री के बाद आप और मैं होटल में बैठकर साथ कॉफी पियेंगे। तो फिर अब मैं चलूँ? आपका हैंकी। ओके बाय। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
आई रुति मसी तन कब आएगी तू चलिया तू। आइए आइए मैडम, कैसी हैं आप? मुझे अकेली और विधवा के पीछे लोग क्यों बड़े रहते हैं? अब क्या हुआ? वो प्लॉट पर फोर सेल का बोर्ड जो लग गया था, और उस दिन आप और मैं वहाँ साथ भी गए थे, बस किसी आस पड़ोस वाले ने देख लिया होगा और कनाडा इन्फॉर्म कर दिया। वो तो शुक्र मानिए कि मेरी फैमिली वालों ने कह दिया कि मैं कनाडा में ही हूँ, वरना। अब देखिए ना, कितना खराब जमाना आ गया है भाई, अपनी ही चीज को बेचने के लिए छिपना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस प्लॉट को बेचने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर हाँ अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं यहीं पर हूँ तो मुझसे पैसे छीनकर मुझे यहाँ दफन जरूर कर देंगे। अरे ऐसे कैसे कोई हाथ लगा देगा आपको, एयरपोर्ट तक छोड़ कर आऊंगा मैं। सच में आप कितने अच्छे हैं, आपके पास आकर सब कुछ कितना आसान सा लगने लगता है। मेरी नजर तो बहुत पहले से थी इस प्लॉट के ऊपर, मैंने तो यहाँ तक पता कर लिया था कि इसके मालिक विदेश में रहते हैं। अच्छा देखिए ऊपर वाले ने हमें मिला दिया, वरना मैं सिर्फ आप ही के पास क्यों आती। अरे बाप दादाओं का बहुत रुपया है मेरे पास, और फिर मैं कुछ खरीद ही रहा हूँ, कुछ लुटा तो नहीं रहा ना। और फिर आपको मिल भी तो इतने सस्ते में रहा है। अब देखिए ना, अगर मैं दो चार ग्राहक और ढूंढती तो कम से कम 1 करोड़ से नीचे नहीं जाता। लगता है आपने किसी और से भी बात की है। ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसी बात करके तो आपने मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ, वैसे कितनी भोली हैं आप। कहीं इस भोली भाली को लूट तो नहीं रहे आप? अरे लूटेंगे क्या, हम तो लूटने वाली हालत में हो रहे हैं। तो फिर इरादा पक्का है ना? बिल्कुल पक्का। तो फिर चलें। कोर्ट? अरे मैंने कहा तो है कि कोर्ट में कल चलेंगे, आज कोर्ट में वकीलों की हड़ताल है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल फिर आ जाऊंगी। तो फिर अभी मैं जाऊं? लेकिन अभी आपने न चाय न ठंडा कुछ भी तो नहीं लिया। रजिस्ट्री के बाद आप और मैं साथ कॉफी पिएंगे। तो फिर मैं जाऊं? मैं कैसे कह सकता हूँ। हाउ स्वीट। ओके। इनसे मिलिए, ये है मेरे स्वर्गीय पति के दोस्त। हेलो, आई एम प्रिंस। मैंने कल शाम इन्हें फोन किया था, और पूरा 10 घंटे का सफर तय करने के बाद आज सुबह ये यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया तो मेरी जान के साथ साथ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर अब? आप कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस अब आप ऐसा कीजिए कि पेमेंट इन्हें दे दीजिए, ये लेकर होटल चले जाएंगे, और फिर मैं आपके साथ रजिस्ट्री के लिए कोर्ट चले चलूँगी। उसके बाद फिर आपको मेरे साथ। जी क्या हुआ, आप मेरे साथ होटल नहीं चलेंगे? वैसे तो आप एयरपोर्ट छोड़ने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन अब तो ये है ना आपके साथ, तो ये तो आज शाम को ही वापस चले जाएंगे। दरअसल इनकी आज शाम की लंदन की फ्लाइट है ना। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, ये लीजिए गिन लीजिए पूरे। इन्हें खोल कर गिनना मैं जरूरी नहीं समझती। भाभी जी, पैसा हमेशा गेंद खेल लेना चाहिए। भाई साहब आप नहीं जानते इन्होंने मेरे साथ कितना कॉपरेट किया है, पैसे गिनकर मैं इनकी इंसल्ट नहीं करना चाहती।
देखिए आप फिर भी गिन लीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? ये लीजिए, आप इसे लेकर होटल पहुंचिए, तब तक हम कोर्ट से होकर आते हैं। ओके, जल्दी आइएगा क्योंकि मुझको शाम का फ्लाइट पकड़ना है। बाय बाय बाय। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आता हूँ। सुरेश जी साहब, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम यही रहना। ओके, ठीक है जी। चलिए भाई, कितनी एप्लीकेशन मैंने आपके पास लगाई कि एक कॉफी आपके साथ होटल में हो जाए है? सोचा कभी तो आप एप्लीकेशन मंजूर करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। आप 2 मिनट रुकिए, बंदा 1 मिनट में कार के साथ हाजिर। वो मैडम बाथरूम में है क्या? क्यों सर? अगर कोई बाथरूम में क्यों होता है? लेकिन सर वो तो आपके साथ बाहर गई थी, वापस नहीं आई। अरे यार पुलिस को फोन मिला, अबे 100 नंबर पे मिला, पुलिस जल्दी आएगी। अरे तो छोड़, मैं मिला साहब 001 मिला हूँ, पीछे से भी आएगी। 6 महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद माया मैडम आखिर कानून की गिरफ्त में आ ही गई। हाय राम, इतनी सुंदर और स्मार्ट और कारनामे इतने भयानक। अरे भाई, सुंदर वही जो सुंदर काम करे। अपनी सुंदरता का गलत प्रयोग करोगे तो जेल में ही जाओगे, चक्की पीसोगे चक्की। अरे ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? मैं तो किताब वाले के दाम चुका आई थी, पर दोबारा गई। मैंने उससे कहा, भैया कल मैंने आपको जो 500 का नोट दिया था ना, इतने में दुकानदार लगा मुझ पर चिल्लाने। अरे पता नहीं कहां कहां से आ जाती है, बड़ी स्मार्ट समझती है अपने आप को। कब दिया था तूने 500 का नोट? कभी देखा है 500 का नोट? इतने में शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मैं जाने के लिए मुड़ी, मैंने कहा, भैया मैं तो आपके 200 रुपए लौटाने आई थी, आपने मुझे ज्यादा दे दिए थे। फौरन लगा माफी मांगने, गिड़गिड़ाने लगा। तो हवा का रुख बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन वो सुधरा कि नहीं? हाँ, पछतावा हो, अपनी गलती का एहसास हो तो कोई भी सुधर सकता है। भटकते व्यक्ति को सही दिशा का पता कैसे चले? ऐसे लोगों के सुधार के लिए आखिर हो क्या रहा है? तो चलिए इसी मुद्दे पर गहराई से विचार करने के लिए मिलते हैं आज के विशेषज्ञ से। जैसा भी आपने देखा, ऐसे केसेस में जिनका कंपल्सिव एक माइंडसेट हो जाता है ऐसे चीटिंग करने का, इनको रिफॉर्म करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसके लिए भी हमने तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे आदमियों को, जो ऐसी लेडीज़ हैं, इनको मेडिटेशन कोर्सेज के अंदर हम इनिशिएट करते हैं, जो कि इनका माइंड एक थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो, थिंकिंग लाइन चेंज हो, जो कि अपने आप को ही मेन स्ट्रीम में ला सके। इनको कढ़ाई बुनाई सिलाई और जो कोर्सेज एनजीओ के द्वारा चलाए जाते हैं उन कोर्स में भी इनिशिएट किया जाता है, और उसमें उनको एक निपुणता लाने के लिए हमने JSS है उसकी सहायता से हमने यहाँ पर कार्यक्रम चला रखे हैं। इसके लिए जो बंदी है, चाहे फीमेल्स हों या मेल्स हों, उनके लिए उनका एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलता है जिसके तहत इनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, और जिस काम में इन्होंने एक्सपीरियंस लिया होता है उसके हिसाब से इनको सामान दिलवा के सेटअप करके उन पर मॉनिटरिंग की जाती है, और ये मेन स्ट्रीम के अंदर सोसाइटी के ये अपने आप को सेटअप कर सकते हैं। 420 चीटर्स के बारे में क्या, इनका सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है क्योंकि इनका जो माइंड सेट होता है वो होता है कि इजी मनी किस तरह से दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके उसको धोखा दिया जाए, तो इनके चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जो हमारे पास नया आदमी आता है उससे हम बातचीत करने के बाद उनको क्षमता देखते हैं, उनमें पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको डिफरेंट कोर्सेज जो स्टार्ट कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके अंदर हम उनको इनिशिएट किया जाता है, जिससे अपने काम सीखने के बाद वो अपना बाहर रिलीज होने के बाद अपने आप को सेटअप कर सकते हैं सोसाइटी में। ऐसे आदमी का सक्सेसफुल रेट बहुत हाई होता है। जो जेल के लिए नए हैं वो अपना काम करने के लिए डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर अपने आप को ऑफर करते हैं,
और वो सीखने के बाद ये देखा गया है कि वो आदमी बाहर जाके अपना काम शुरू करता है। जो हार्ड कोर क्रिमिनल है उसके लिए हम पहले अपने एनजीओ की हेल्प से उनको कैटेगराइज करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम इनके लिए बेनिफिशियल है, उसके हिसाब से हम इनको प्रोग्राम में इनिशिएट किया जाता है। पिछले 15-20 साल में जेल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बदलाव आया है, इसमें एक ह्यूमन टच बहुत आया है। दूसरा, जो हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स एनजीओ की हेल्प से शुरू किए हैं, सरकार के हेल्प से शुरू किए हैं, उनसे प्रिजनर्स में एक थिंकिंग लेवल, इनका एक ओपननेस, एक पार्टिसिपेट करने की भावना, एक कुछ सीखने की भावना, उसमें काफ़ी चेंज आया है। जो भी जेल में सामान बिकता है इनका, जो प्रिजनर्स बनाते हैं हमारा, वो हमने डिफरेंट एग्जीबिशन में एग्जीबिट होता है और तिहाड़ हाट भी हमने खोल रखा है, जो जनरल पब्लिक के लिए जो इनका सामान यहाँ से परचेज कर सकती है। पूर्ण निवास योजना जो गवर्नमेंट की है उसमें फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, कैश नहीं दिया जाता, उसमें सामान दिया जाता है जिसके अंदर उसने अपने निपुण हुआ है, जेल के अंदर उसका सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सामान दिलवा के उसको उस जगह पे सेट किया जाता है। जेल मैनुअल जो भी है, जो एग्जिस्टिंग है, उसमें हमें केवल वी आर द कस्टोडियंस हैं, हमें उनको अच्छा खाना, अच्छा मेडिकल सर्विसेज, रहना सहना, उनकी सिक्योरिटी, ये है। लेकिन जो नया जेल मैनुअल बन रहा है उसके अंदर हमने रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम्स का प्रोविजंस हैं कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें अपना योगदान करना चाहिए, उसका प्रोविजंस उसमें रखे गए हैं। जेल का समय कोई भी होता है, मैंने ये देखा है कि जो प्रिजनर्स इसमें प्रॉपरली अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, उनका बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जो चीज़ वो बाहर नहीं सीख पाते हैं वो जेल में आके, उनका समय होता है इनके पास, उसमें वो निपुण हो जाते हैं। देखा तूने, गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है और सही रास्ता कठिन। क्यों, तुम्हें फिर कोई कविता सूझ रही है क्या? नहीं नहीं, अरे अपनी वो सरला जी है ना, हाँ? वो आज ही बता रही थी, उनके ऑफिस में जो नया कर्मचारी आया है, बेचारा सुबह जल्दी आता है, शाम को देर से जाता है, हर एक का हुक्म तुरंत बजा कर लाता है, हाँ? और उसे अलग जुदा जुदा सा लगता है। मैं बोली, मुझे तो वो नया नया शादीशुदा सा लगता है। आदतें पहले से अच्छी हो तो बाद में दिक्कत नहीं होती। बेचारा घर की कैद से मुक्त होकर दफ्तर में आ फंसा। अच्छा, घर तुझे जेल लगता है? अरे घर क्या होता है तू नहीं समझ सकती, जब अपनी घर गृहस्थी होती है ना तो। पता नहीं, मेरी एक सहेली है, उसके पति है मनोचिकित्सक यानी पागलों के डॉक्टर। जब वो घर आते हैं, शोर शराबा या फिर चीखना चिल्लाना सुनते हैं तो कहते हैं, मेरे घर में और पागल खाने में कोई खास फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि पागल खाने में कम से कम सुधार तो हो सकता है। अब इसमें तुम्हें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसे अपराध कई तरह के होते हैं वैसे ही सुधार भी कई प्रकार के होते हैं। अगर लूटपाट करने वाला सुधरना चाहे तो कैसे? हाँ, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तत्वावधान में कैदियों को साक्षर बनाने हेतु उन्हें हुनर सिखाने के लिए बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों तू वही तो थी। हाँ हाँ, लेकिन उनके कार्यक्रम देखने गई थी। चल तुझे भी दिखाती हूँ वहाँ के सुधार की शैली। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जन शिक्षण संस्थानों द्वारा कारागारों में भी साक्षरता प्रदान करने और उसके साथ कौशल विकास करने के प्रयास किए गए हैं। कुछ एक स्थानों पर बंदियों को साक्षरता किट भी प्रदान की जाती है ताकि वे कारावास के समय अध्ययन अध्यापन में लगे रहें और अपनी सोच को एक सकारात्मक मोड़ दें। आर्थिक विकास के लिए उन्हें तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपनी जीवन शैली बदलें और जब जेल से बाहर आएं तो उन्हें भी स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी नागरिक के रूप में अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का मौका मिले। साक्षरता के दीप प्रज्वलित करके उनके अंधेरे जीवन में उजाला लाने के इस काम में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं राज्य संसाधन केंद्र एवं जन शिक्षण संस्थान। सच कहें तो अंधेरे मिटाती पढ़ाई लिखाई, गरीबी मिटाती पढ़ाई लिखाई, बहुत काम आती पढ़ाई लिखाई, नई रोशनी देती पढ़ाई लिखाई, नव अर्जित ज्ञान नव अर्जित कौशल से नई राह बनाकर उस पर बढ़ने को प्रेरित भी करती है पढ़ाई लिखाई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बंदियों की मानसिकता बदलकर अपराध की प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाने और स्वयं को पुनः सभ्य समाज के अनुरूप ढालकर नया जीवन देने को तैयार है ताकि जब वे कारागार से मुक्त हों तो उनके मन से दुष्कर्म के काले अंधेरे मिट चुके हों। अपराध करने की भयावह प्रवृत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई हो और दरवाजे पर दस्तक दे रही हो एक नई जिंदगी। तो देखा आपने,
कारागारों में चल रहे साक्षरता केंद्र और जन शिक्षण संस्थानों की गतिविधियां इस बात की गवाह है कि अगर किसी इंसान के अंदर अपने जीवन को बेहतर बनाने की जरा सी भी ललक है तो रास्ते अभी बंद नहीं हुए। हाँ, इसी बात पर याद आया, एक आतंकवादी बाजार में बम फिट करने जा रहा था। उसकी पत्नी उसके भयानक इरादे भांप नहीं पाई, लेकिन आदत से मजबूर पीछे से चिल्लाकर बोली, ए जी, एक आध बम एक्स्ट्रा ले जाना जी, एक ना फटे तो। वो क्या है ना कि आजकल चीजों में बहुत ही मिलावट होती है जी। लेकिन चीजों में मिलावट करना कितनी गलत बात है, ये तो घोर अपराध है भाई। हाय राम, मैं तो कहती हूँ कि बमों में मिलावट हो जिससे कि वो फटे ही ना, लेकिन हाँ, बम फिट करने वालों का भांडा जरूर फूट जाए। पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसे काम, क्यों करते हैं लोग हत्या, अपहरण, लूटपाट जैसी वारदात। खाली दिमाग शैतान का घर, बस आ जाती है हैवानियत दिमाग में। लेकिन हाँ, अपने किए का पछतावा हो तो स्थितियां सुधर सकती हैं। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हुनर प्राप्त कैदी चोरी चकारी छोड़कर नया काम शुरू करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। कुछ लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर गलत रास्ता अपनाया, तो कुछ ने अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर, कुछ लोगों ने अपने ऐशो आराम के लिए दूसरों की जेबें काटी, और कुछ ने अपने दिमाग के फितूर के चलते ऐसा किया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं लुधियाना, जहां बोस्टर जेल में 3-3 बार सजा काट चुके राकेश ने जब अपना मन बना लिया तो वो सही रास्ते पे कैसे आया। कोई माँ के पेट से कोई पैदाइशी बुरा नहीं होता है। मैं पहले स्कूल में पढ़ता था, मैंने मैट्रिक पास हूँ, मैं 10वीं का पढ़ा, अच्छा पढ़ा हूँ, स्कूल की तरफ अच्छा खिलाड़ी था मैं, क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी हूँ मैं, ऐसे खेलते खेलते क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी बन गया। मगर जो बुरी संगत होती है बुरी होती है, मगर एक दिन अचानक ऐसा मूड आया कि जिंदगी ही तब्दील हो गई हमारी। एक बात है, क्या हमें बैठे इकट्ठे बात कर रहे थे, पता नहीं कौन सा हवलदार था कौन सा SHO था, उसके लड़के से हमारी झड़प हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसा हुआ कि तो झगड़े के साथ कहते हो हमको उठा के ले गया, बातें कर रहे हैं जैसे चार बंदे बैठे जाते हैं बातें करते हैं, वो आया और उसको उठा के ले गया। उसने रंजिश निकालनी थी अपने लड़के की, उसने उठाया और चारों लोगों को जेल भेज दिया। तीन तो अच्छे घर के थे जो अपने उनके घर वालों ने पैसा लगाया बाहर निकाल लिया, मगर मैं गरीब घर का था, मेरे को कौन पैसा लगाने वाला था, कोई भी नहीं लगाने वाला था। अंदर जेल काटनी पड़ी, घर की बदनामी हुई, माँ बाप भाई बहन सभी एक दूसरे मुझसे दूर हो गए, बोले जी गलत काम करता है, पर मेरे दिल में जानता है। जब अंदर चले गए, एक महीना दो महीना तीन महीना काटे, धीरे धीरे अंदर से शर्म महसूस होती गई खुद को कि ये क्या कि जहाँ से नरक से भी बदतर ज़िंदगी है ये। जे तो मैं आपको जे कहूँगा, जेल जाने की ज़िंदगी तो बदतर रहेगी, आदमी कुछ खा के ना आत्महत्या कर ले। ऐसे कि जेल में माँ बाप से मिलना ही होता, माँ बाप से दूर रहना पड़ता है। वहाँ पर मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, फिर अपने गले में फंदा लगा के तो हाथ में ब्लेड से काटने की कोशिश की, नाड़ काटने की कि चलो कोई बात नहीं ज़िंदगी से मुक्ति पा लेता हूँ। मगर क्या बता था जिंदगी, भगवान की मर्जी होती है, वो वाला भी तुम्हें जरूरत नहीं है इसमें। एक तरफ उत्तर का आपको पता है कि जैसे यारी मिल जाती है वैसे ही असंगत हो जाती है, जारी ऐसी ही पड़ गई, फिर गलत काम में पड़ गया, फिर उनके साथ घूमने फिरने लगा, उसने बहाना मिल गया कि गलत लड़कों के साथ फिरता है, इसको फिर भी गलत हो गया, इसको फिर उठा के अंदर डाल दो। 3 बार इसी वजह से मेरे को अंदर जाना पड़ा। जिंदगी में बदलाव मेरे ऐसे आया कि जब मैं दोबारा पोस्टल जेल में दबा जाए बता देता हूँ, जेल में दोबारा जेल में गया, वहाँ पे जन शिक्षण संस्थान बनाया होता मैंने, जो बुरे लड़के उनको काम सिखाएंगे कि बाहर एक अच्छे काम करें। मैंने वहाँ पे अंदर डीजल इंजन का काम सीखा पहले, जो कि होता है डीजल इंजन का कि जनरेटर जनरेटर वगैरह ठीक करने, गाड़ियाँ ठीक करना, ऑटो पार्ट्स सारी जलते बनानी जाए, पहले सभी काम सीखा मैंने। फिर मैंने अंदर एक कशिश सी बिठा ली कि मैं ये काम करूँगा बाहर जाकर, कि चाहे डीजल इंजन का हो चाहे ऑटो पार्ट का हो। बाहर आके पहले मैंने डीजल इंजन का काम किया, फिर मैंने ऑटो पार्ट्स का काम किया, फिर मैंने करते 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 यानी शौक हो गया कि मैं गाड़ी भी चला सकता हूँ। फिर मैंने गाड़ी पकड़ ली, एक गाड़ी चलाने लग गया मैं। गाड़ी चलाते चलाते मेरे बाबू लोगों ने देखा कि हाँ गाड़ी चलाता है, आम ड्राइवरों को 3,500 तनख्वाह मिलती है, 3,000 मिलता है, खर्चा अलग मिलता है, मगर मेरे बाबू है जो उन्होंने देखा कि हाँ अभी गाड़ी खुद कर लेता है ठीक, उन्होंने मेरे को 6,500 तनख्वाह देनी शुरू कर दी। बोला कि गाड़ी खुद में बाहर भी 5,000 लगाते हैं, 50,000 लगाते हैं ट्रक के इंजन ठीक करवाने में। GSS ने मेरे अंदर ऐसी क्षमता भर दी है कि मैं खुद गाड़ी ठीक करके खुद चला सकता हूँ। वैसे हमारी ज़िंदगी में यही मकसद होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे, वेले बैठे घर पे अकेले बैठोगे तो शैतान ही दिमाग में होगा कि क्या कर रहा है, क्या वो इधर जाना है मेरे को, इधर करना है, उसमें बैठना है, ये करना है। और काम के बारे में सोचोगे यार मैंने ये इस फैक्ट्री में जाना है, ये काम करना है, तो सोचिए 4 पैसे ही आएंगे इसमें, बदनामी तो नहीं, इज्जत अलग बनेगी, घर वाले भी कहेंगे हमारा लड़का काम कर रहा है, अच्छा कमा रहा है। इसलिए कि जो काम ठानेंगे आप वही काम करोगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे तो बुरा ही करोगे। इसलिए दिल में एक
कि लूसी लगानी चाहिए कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, अच्छा करूँ चाहे अच्छा करूँ, चाहे बुरा करूँ चाहे बुरा। इसलिए अच्छा करके ही करोगे तो जिंदगी में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ जाएगा। वही घर वाले जो कहते थे कि जो चोर है डाकू है हमारे पास नहीं रहेगा, कि जो बुरा काम करता, आज वही कह रहे हैं हमारे तो भाग धन्य हो गए जैसा लड़का हमारे घर में पैदा हुआ। अरे वाह, ये हुई ना बात। सुधार गृह से एक युवक ने पॉलिश करना सीखा। उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया, उसने उसे 5 का नोट दिखाकर कहा कि मेरे जूते ऐसे चमकाना कि मेरा चेहरा नजर आए। युवक ने 5 रुपए ले लिए और उसके जूते ऐसे चमकाए कि उसके पांव की उंगलियां नजर आने लग गई। बेचारा पुराने जूते की पोल खुलते ही वहां से खिसक कर जाने लगा। तो युवक ने उसे बोला, 5 रुपए ले लीजिए अपने, क्योंकि हम बिरादरी वालों से पैसे नहीं लेते। वाह वाह वाह। बिरादरी? ओहो, बिरादरी से याद आया, आज तो मेरे आने वालों की भीड़ लगी होगी। मैंने सबको खाने पे बुलाया था। ओहो, तुम जैसे लोगों के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो घर पर खाना कौन बना रहा होगा? बाप बेटे दोनों लगे होंगे। मुझे तुम जैसे लोगों से फुर्सत कहाँ है। धत पगली। अच्छा तो अब हम चले, अनोखी के घर दावत पर जाना है मुझे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.